वेल गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म नायिका देवी दी अनसंग वॉरियर, या फिर ये कहूँ नायिका देवी दी वॉरियर क्वीन। वेल, आपको बता दूँ फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त है और ये गुजराती फिल्म है, बेस्ड है इंडिया की बोले तो पहली वॉरियर क्वीन पर। लेकिन यार ये फिल्म जिस तरह से बनाई गई है, जिस तरह से इस पर पैसा खर्च किया गया है, VFX का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, उस तरह का ये फिल्म कलेक्शन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। जी हाँ, अगर आपको मैं बोलूँ कि फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक फिल्म ने अपना 10% बजट भी रिकवर नहीं किया है, तो काफ़ी अटपटा लगता है ये सुनने में। और ऐसे में पब्लिक की डिमांड आ रही है हिंदी वर्जन को लेकर कि काश ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज़ हुई होती। तो आपको बता दूँ अगर ये फिल्म सक्सेसफुली चलती गुजराती में तो ये फिल्म चांसेस थे कि हिंदी में रिलीज़ हो जाती। और आपको बता दूँ आज यानी अपने 4th दिन इस फिल्म के कलेक्शन में तकरीबन 60% का ड्रॉप आ रहा है और ये फिल्म कमा रही है मैक्स टू मैक्स 4 से 5 लाख रुपये बस। जिसके बाद जो फिल्म का कलेक्शन हुआ है बीते कुछ 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से वो हो चुका है तकरीबन 75 लाख प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं बात आती है बजट को लेकर, तो उसका जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है, वो है महज 8 से 10 करोड़ रुपए। लेकिन ये फिल्म उस बजट को रिकवर करने में भी पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही और मैं ये कह सकता हूँ ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होने जा रही है। वेल, आपकी ओपिनियन क्या है फिल्म को लेकर, नायिका देवी दी वॉरियर क्वीन को लेकर? आपकी राय कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।